गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की व्यवसाय संप्रेषण एवं प्रबंधन इस विषय की छठे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इसके पूर्व के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने अलग अलग प्रकार से कम्युनिकेशन को समझने का प्रयास किया। जो संप्रेषण है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अलावा वहाँ पर हमने अलग अलग फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक मौखिक लेखी और अन्य प्रकार के जो संप्रेषण हैं उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब यूनिट नंबर एक में हमने संपूर्ण बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हमारे जो संप्रेषण है उसका जो मुख्य तत्व है उसका जो मेन अर्थ है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज से हम यूनिट नंबर दो की शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट नंबर दो में हमें मुख्य रूप से बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब व्यवसायिक संप्रेषण ऐसा संदेशवन ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस में बारंबार यूज होता हो वहाँ पर उसका यूज होता हो बिजनेस के दृष्टि से उस कम्युनिकेशन का अर्थ और अन्य जो उसमें आने वाले कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्यवसायिक संप्रेषण मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो बिजनेस में यूज होता हो बिजनेस को प्रवाहित करने के लिए जो कारगर साबित होता हो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। व्यवसायिक पक्षों में जानकारी का लेन देन व्यवसायिक संप्रेषण कहलाता है। एक वाक्य में इसका अर्थ है, व्यवसायिक पक्ष का अर्थ होता है सप्लायर्स, उसके बाद हमारे लेनदार देनदार बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक जितने भी लोग व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं संगठन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर सामान्य बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ऐसे व्यवसायिक पक्षों में जानकारी का लेन देन सूचना का प्रसार प्रचार व्यवसायिक संप्रेषण कहलाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन हम इसे कहते हैं। बिजनेस के इंटरनल जो पक्ष होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके मध्य में जब कम्युनिकेशन होता है जानकारी का आदान प्रदान होता है तो इसे हम व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। तो सामान्य संप्रेषण जैसा ही है सिर्फ व्यवसायिक ये शब्द यहाँ पर जुड़ा है। ये शब्द जुड़ने से इसकी जो मर्यादा है ये मर्यादित हो गई है, इसकी जो सीमा है वो मर्यादित हो गई है। सामान्य कम्युनिकेशन कहीं पर भी यूज होता है पर बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय में बिजनेस में यूज होता है। उसके बाद इसके जो उद्देश्य होते हैं, देखिए प्रत्येक कंसेप्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सामान्य कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग थे, यहाँ पर हमने इस व्यवसायिक संप्रेषण को व्यवसायिक ये शब्द लगा करके इसको मर्यादित कर दिया है। व्यवसायिक ये व्यवसाय के अंतर्गत होने वाला कम्युनिकेशन है तो इसके उद्देश्य भी ऑब्वियसली कैसे होंगे, अलग होंगे सामान्य संप्रेषण से। तो देखिए जानकारी देना, तो जानकारी ऐसी जानकारी जो बिजनेस के लिए पर्पसफुल हो बिजनेस के लिए यूजफुल हो तो ऐसी जानकारी को देने के लिए व्यवसायिक संप्रेषण का उपयोग होता है। ये व्यवसायिक संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य है कि व्यवसाय जानकारी व्यवसायिक पक्षों को देना, उनको व्यवसाय के संदर्भ में अवेयर करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। नंबर दो, अभिप्रेरण व्यवसायिक पक्षकारों में जो पार्टिसिपेंट्स है जो काम करने वाले लोग हैं कर्मचारी है जो अन्य हैं उन्हें अभिप्रेरित करना, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करना किए हुए काम के बारे में। अब ये मोटिवेशन निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, किसने अगर योग्य पद्धति से कार्य नहीं किया है तो उसे प्रताड़ित करना भी बिजनेस कम्युनिकेशन के ही उद्देश्य में आता है। तो उसको अभिप्रेरित करना, उसके काम की सराहना करना या उसने जो काम गलत किया है उसके बारे में उसको अवेयर करवाना, ये भी यहाँ पर व्यवसायिक संप्रेषण का उद्देश्य है। नंबर तीन, सूचना व आदेश। देखिए सूचना और आदेश में डिफरेंस क्या है? सूचना मतलब एक सामान्य बात किसी को कहना पर आदेश का मतलब है ऑर्डर, नोटिस एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है वो हमेशा सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक आता है। जो बॉस होते हैं मैनेजमेंट होता है वो कर्मचारियों को या निचले स्तर के लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। तो सूचना व आदेश दोनों ही देने के लिए व्यवसायिक संप्रेषण ये महत्वपूर्ण होता है। व्यवसायिक संप्रेषण का उपयोग सूचना व आदेश देने के लिए यहाँ पर किया जाता है क्योंकि देखिए व्यवसाय में अगर हम किसी को सूचना दे रहे हैं आदेश दे रहे हैं तो उसका जो ढंग है वो थोड़ा अलग है। सामान्य रूप में हम लोग ऐसा ओरली बोल देते हैं मौखिक बोल देते हैं या फिर कोई हम अनौपचारिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं परंतु व्यवसायिक संप्रेषण में औपचारिक मार्ग का ही यूज होता है। औपचारिक पद्धति से लेटर और रजिस्टर्ड चीजों के द्वारा ही सूचना व आदेश दिए जाते हैं। नंबर चार है शिक्षण एवं प्रशिक्षण। देखिए
व्यावसायिक संप्रेषण का उपयोग सदैव प्रशिक्षण ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए होता है। शिक्षण में तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सामान्य कम्युनिकेशन का जब अर्थ देखा था उसके उद्देश्यों में भी हमने शिक्षण ये शब्द वहाँ पर यूज किया था। यहाँ पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य कर्मचारियों को शिक्षण देना, आवश्यक जहाँ पर वहाँ पर प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी होता है। व्यवसाय बिजनेस कम्युनिकेशन के बिना प्रशिक्षण देना, शिक्षण देना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। व्यावसायिक संबंध नंबर 5, व्यावसायिक संबंध बिजनेस रिलेशनशिप जो होती है, जो आउटसाइडर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं या फिर अन्य सप्लायर्स होते हैं, लोन देने वाले होते हैं, बैंक्स होते हैं, इनके साथ जो बिजनेस का, बिजनेस के लोगों का, मैनेजर्स का या फिर बोल सकते हैं कि बिजनेस का जो रिलेशन है वो भी इस बिजनेस कम्युनिकेशन के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रस्थापित किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे घटक एलिमेंट्स जो होते हैं व्यावसायिक संप्रेषण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रेषक, प्रेषक का मतलब है मैसेजर, जो मैसेज बनाता है, मैसेज देता है। ये यहाँ पर होता है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संप्रेषण, बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस मैसेज प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर प्रेषक का, प्रेषक की अनिवार्यता होती है। तो ये नंबर 1 है एलिमेंट में प्रेषक। नंबर 2 संदेश, मैसेज, विदाउट मैसेज भी हम लोग व्यावसायिक संप्रेषण नहीं कर सकते। मांडना मतलब जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हर मैसेज का एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। वो माध्यम मतलब मीडियम, मीडियम के बगैर हम लोग किसी भी प्रकार से संप्रेषण नहीं कर सकते। अब हमारा जो मैसेज है उसके अनुरूप ही हमारी, हमारा माध्यम होना चाहिए। प्राप्तकर्ता जिसको हम लोग मैसेज दे रहे हैं उसको हम लोग प्राप्तकर्ता बोलते हैं। तो ये सामान्य एलिमेंट्स हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के। इसके अलावा देखिए लास्ट पार्ट है कार्य, फंक्शन, जिसको हम लोग पर्पस भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हमारा व्यवसायिक संप्रेषण, इसके कार्य जो है वो सूचना देना। सबसे पहला सभी को पता, सामान्य कार्य है किसी भी कम्युनिकेशन का कि लोगों को सूचना देना। तो ये सूचना देना एक कार्य हो गया। नंबर 2 मूल्यांकन, इवेल्युएशन, अगर कर्मचारियों का या फिर काम करने वाले हमारे कंपनी के अधिकारियों का मूल्यांकन करना है तो इवेल्युएशन के लिए भी हमें बिजनेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो उसका एक कार्य है, क्योंकि विदाउट हम लोग अगर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली किसी पेपर पेन के द्वारा उसका कुछ इवेल्युएशन करेंगे या फिर हम उसको ओरली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने क्या क्या काम किया है आदि। तो ये जो मूल्यांकन है ये विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ये भी एक कम्युनिकेशन का पर्पस है। निर्देशन और प्रशिक्षण, तो निर्देशन का मतलब डायरेक्शन होता है। अगर बिजनेस में हमको, हमारे व्यवसाय में हमको अगर डायरेक्शन देना है किसी को, इस प्रकार से काम होना चाहिए, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन का यूज होता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कुछ कर चुके हैं कि अगर हमको किसी को प्रशिक्षण देना है तो हमें बिजनेस कम्युनिकेशन का वहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है महत्व, इम्पोर्टेंस जो है हमारे व्यावसायिक संप्रेषण का इम्पोर्टेंस। नीति तैयार करना, पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो कैसे, अगर हम कोई प्लान कर रहे हैं, हम कोई नीति बना रहे हैं, तो जब हम सब लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से हम अलग अलग पॉइंट्स रखते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट निकालते हैं। तो नीति बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण साबित होता है। देन कार्यक्षमता में बढ़ोतरी, तो अगर कम्युनिकेशन है, बिजनेस व्यावसायिक संप्रेषण है, तो कार्यक्षमता में डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो अगर मौन बैठ करके हम लोग कोई काम करते हैं तो वो कारगर नहीं होगा, उसमें जो सक्सेस है वो सक्सेस वहाँ पर हमको नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए हमें व्यावसायिक संप्रेषण का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे, चर्चा से डेफिनेटली अच्छे से अच्छा मार्ग सामने आता है और हमारी जो एफिशिएंसी है वर्क की वो भी बढ़ती है। उसके बाद ध्येय प्राप्ति के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। समस्या का समाधान जो होता है वो भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। और निर्णय क्षम, जो व्यावसायिक संप्रेषण है वो कैसे, निर्णय क्षम है, निर्णय लेने की, निर्णय को बनाने की इसमें क्षमता होती है। तो ये हमने महत्व इसके देखे। तो इस प्रकार से हमने व्यावसायिक संप्रेषण की शुरुआत यहाँ पर की, यूनिट नंबर 2 की। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।